नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस 136वें स्थापना दिवस पर इंदौर के मुख्य कांग्रेस कार्यालय पर एक आयोजन रखा गया, जहां शहर अध्यक्ष सहित कई नेताओं की मौजूदगी में कई वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान हुआ। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर सभी नेताओं ने मंच के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय जाने के लिए गांधी भवन में अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान प्रवक्ता के मिश्रा ने कांग्रेसियों में जोश भरने की कोशिश की और आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार शत प्रतिशत चुनाव जीत रही है। जिन जिन वादों से दो या तीन प्रत्याशी दावेदारी करेंगे उन्हें वरिष्ठ नेता समझाएंगे। वहीं भाजपा की कथनी और करनी को कांग्रेस ही वार्ड स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर जनता को बताएंगे। इस दौरान बाकलीवाल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा। चुनाव किस प्रकार की तैयारी कार्यकर्ताओं के साथ रखी गई? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 136वां स्थापना दिवस इस गांधी भवन में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद में हमारे कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश उस्ताद यादव जी एवं हलीमा बीका में यहाँ पे श्रीफल शॉल देकर सम्मान के साथ सम्मान किया गया है। आज हम सब कांग्रेस के साथियों ने संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस यहाँ के सब एकजुटता के साथ लड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल से भ्रष्टाचार नगर निगम में मचा रखा है, आतंक मचा रखा है, उसको लेकर एवं मेट्रो ट्रेन एलिवेटेड ब्रिज को लेकर एवं अन्य नर्मदा का पानी को लेकर अन्य मांगों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे और निश्चित मानना कि इस बार हमारा महापौर भी बनेगा और कांग्रेस की परिषद भी बनेगी। यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे हमारे जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष आदरणीय विपिन गंगवाल जी द्वारा इस सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और ये सब के सब इस जो आज हमारा तिरंगा है कांग्रेस का, जिसका 136 साल का इतिहास है, जो कांग्रेस को हमेशा लोग कह रहे थे यही आरएसएस के लोग, वो भारतीय जनता लोग की कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हुई है। कांग्रेस थोड़ी सी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, बल्कि हमेशा कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। इस कांग्रेस ने ही इस देश की आज़ादी दिलाई है और इस कांग्रेस ने ही आज 70 साल में जो विकास के कार्य किए हैं वो इस कांग्रेस की ही देन है। इसलिए आज ये सेल्फी पॉइंट बड़ा आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।